हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए आज के सेशन की। देखिए, हम देख रहे थे पीटीटी और बीएसटी से परीक्षा में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो आज देखिए हमारा पार्ट नंबर 5 है। देखिए, 4 पार्ट हमने देख लिए, उसमें हमने 30-30 क्वेश्चन देखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए आज के सेशन की। सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से शिक्षा लाभप्रद है। यानी आपके अनुसार जो प्राथमिक स्तर है, 1 से 5वीं क्लास तक का जो स्तर है, उस पर किस प्रकार से शिक्षा, यानी जो गर्ल्स और बॉयज को एक साथ शिक्षा दी जाती है, वो किस प्रकार लाभप्रद होती है, ये आपको बताना है। बच्चों में समानता का विकास होता है, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, या फिर बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है। देखिए क्या होता है, इससे यदि सह शिक्षा देंगे गर्ल्स और बॉयज को एक साथ, तो इससे क्या होगा, बच्चों में समानता का विकास होगा। ऑप्शन क राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपका क्या विचार है। शिक्षकों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के संबंध में आपका क्या विचार है। शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, यानी शिक्षकों का संघ होना चाहिए, या फिर शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए, या शिक्षक के अधिकार की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, या फिर शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, समाज की है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए, कोई शिक्षक अधिकार एक्ट नहीं होना चाहिए, यदि शिक्षक शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा यदि समाज करेगा, तो देखिए किसी भी एक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित, या फिर प्रोजेक्ट केंद्रित। तो शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए। जो शिक्षण की जो समस्याएं है, पढ़ने में जो बच्चों को जो भी समस्याएं आती है, देखिए उनको हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए, प्रधानाध्यापक की, या फिर छात्रों के अभिभावकों की, या फिर शिक्षकों की, या फिर किसी की भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। शिक्षण समस्या, शिक्षण करवाता कौन है, शिक्षक करवाता है, तो समस्या का हल भी देखिए वही करेंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आपके मित्र को ऊंची ऊंची डिग्रियां मिली हैं। आपका एक मित्र है, उसे ऊंची ऊंची डिग्रियां मिली हुई है, फिर भी अभी तक उसे नौकरी नहीं मिल सकी, तो आप क्या करेंगे। आपके मित्र है, उसके पास देखिए ऊंची ऊंची डिग्रियां है, यानी उसने बहुत कोर्स किए हुए हैं, और फिर भी अभी तक उसे नौकरी नहीं मिल सकी, तो आप क्या करोगे। उसके लिए अच्छी नौकरी की तलाश करेंगे, या फिर उसे समझाएंगे कि आप में कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसमें सुधार वांछनीय है, यानी आपको सुधार करना चाहिए, या फिर सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि अच्छी अच्छी शैक्षिक डिग्रियां मिलने के बावजूद अधिकांश लोग बेरोजगार हैं, या फिर उन्हें समझाएंगे कि हिम्मत न हारे और प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होते रहे, अंत सफल अवश्य मिलेगी। तो राइट आंसर क्या होगा,
हमारा कर्तव्य देखिए क्या होगा, उसके लिए अच्छी नौकरी की तलाश देखिए। अच्छी नौकरी की तलाश तो वो आपका मित्र भी कर रहा हो होगा, तो आप क्या तलाश करोगे? ऑप्शन क्या गलत होगा? उसे समझाएंगे कि आप में कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसमें सुधार वांछनीय, देखिए ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए हम क्या कह सकते हैं, सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि अच्छी अच्छी शैक्षिक डिग्रियां मिलने के बावजूद अधिकांश लोग बेरोजगार है। देखिए ये हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, तो ऑप्शन सी गलत होगा। हमें क्या करना है, उन्हें समझाएंगे कि हिम्मत न हारे और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते रहे, अंततः देखिए सफलता अवश्य मिलेगी हम यदि कंपटीशन एग्जाम में भाग लेते रहेंगे तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? जो असामाजिक लोग हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है? मिलनसार के रूप में असामाजिक लोग कौन होते हैं? जिनके पास देखिए जो उनके समाज में जो संस्कृति है, जो वेशभूषा है, यानी संस्कार के समाज में देखिए जो भी नियम बनाए गए हैं उनका देखिए पालन नहीं कर रहे, वो कौन है? असामाजिक लोग हैं। तो उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में, या फिर सामान्य के रूप में? तो राइट आंसर क्या होगा, सुधारक के रूप में। असामाजिक लोगों के साथ तो व्यवहार देखिए सुधारक के रूप में ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए, आपका मत है इसके लिए? यानी दुख हो या सुख लोगों को किस प्रकार रहना चाहिए? दुख में दुखी, सुख में सुखी, दोनों ही परिस्थिति में सम्मान, या फिर सदैव हंसते रहना चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी दोनों ही स्थिति में एक सम्मान रहना चाहिए, दुख में दुखी और सुख में सुखी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी देखिए जैसा हमारा व्यवहार है उसके अनुसार हमें रहना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, या फिर एक सफल सहायक शिक्षक बन सके, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके, या फिर आत्मनिर्भर बन सके। तो कैसी शिक्षा देनी, कितनी शिक्षा देनी चाहिए लड़कियों को जिस तक देखे वो आत्मनिर्भर बन सके? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका क्या मत है? यानी जो जिनका जिन बच्चों का पारिवारिक परिवेश, यानी परिवार का जो वातावरण है वो अच्छा है, क्या वो ही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं? इसके बारे में आपका क्या मत है? इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती है, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं होता, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, या फिर अच्छे पारिवारिक क्लेश में क्लेश नहीं मिलता? तो राइट आंसर क्या होगा, यानी जो अच्छा पारिवारिक परिवेश होगा, देखिए यहाँ बात की गई है अच्छा पारिवारिक परिवेश, यानी परिवार का जो वातावरण है वो अच्छा हो, तो इसमें देखिए कोई भी क्लेश नहीं मिलता जिससे देखिए बच्चों का ध्यान नहीं बढ़ता, वो देखिए उनका पढ़ाई में ही ध्यान रहता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक निराशावादी विचार है, या फिर आशावादी, या श्रेष्ठतम, या मूर्खतापूर्ण विचार है? तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए जो लोग बोलते हैं तब की तब सोची जाएगी, तो वो क्या है, मूर्खतापूर्ण विचार है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका क्या विचार है? समय का अपव्यय, यानी किसी भी कार्य हम करते हैं उससे पहले उसकी योजना बनाते हैं, बनाते हो देखिए सभी बनाते हैं योजना, जैसे ही आपके घर में कोई भी प्रोग्राम हो तो देखिए आप योजना बनाते हो कि हमें कितने लोगों का खाना बनाना है,
कैसे क्या करना है, देखिए योजना बनाते हो, किसको कौन सा काम करना है, देखिए सभी काम सौंप दिए जाते हैं। तो आपका विचार क्या है, क्या ये समय का अपव्यय है? जो योजना बनाते हैं तो क्या वो समय हमारा वेस्ट हो रहा है, या फिर समय का सदुपयोग है, या फिर एक व्यक्तिगत विचार है, या फिर कार्य की सफलता का द्योतक है? तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कार्य की सफलता का द्योतक है। यानी हमें देखिए कार्य करने से पहले योजना जरूर बनानी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका क्या विचार है? छात्रों में जो असामाजिक गुण है वो विकसित होते हैं, इसके लिए आपका क्या विचार है? विद्यालय के परिसर में विकसित होते हैं, या फिर घर की चार दीवारी के अंदर, या फिर बुरी संगति में, या फिर शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से? तो असामाजिक गुण कब विकसित होंगे, बुरी, जब बच्चे बुरी संगत में रहेंगे तब देखिए उनमें असामाजिक गुण विकसित होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जटिल समस्याएं आपको किसके लिए प्रेरित करती है? अधिक कार्य करने के लिए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, काम कम कार्य करने के लिए, या फिर निराश करने के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा, जटिल समस्याएं किसके लिए पैदा करती है, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप क्या मानते हैं? विद्यालय में जो अनुशासनहीन हो रहा है, यानी अनुशासन नहीं रह रहा है, तो उसका कारण क्या मानते हैं? गरीबी व बेरोजगारी, या फिर अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव, या फिर शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला, या फिर शिक्षा प्रणाली में विषमता? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुशासन क्यों नहीं पाया जाता विद्यालय में, क्योंकि अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव कम होता है, वो देखिए अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं निभा रहे, तभी देखिए अनुशासनहीन होगा। बच्चे अनुशासन तभी नहीं बनाएंगे जब देखिए अध्यापक अपनी जिम्मेदारी से देखिए पीछे हटेंगे तब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनको अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? उन्हें कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए, या फिर उन्हें अधिक लाड़ प्यार करना चाहिए, उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए, या फिर उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कि उन्हें अच्छे वातावरण में रखेंगे तो देखिए वो अधिक योग्य बनेंगे। और देखिए जैसे ही छोटे, देखिए छोटा बच्चा ही कोरे कागज के समान होता है, जैसे गुण उसमें डालेंगे देखिए वो वैसे ही गुण ग्रहण करते जाएंगे। तो अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, जिससे क्या होगा वो अधिक योग्य बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, उसके पहले आपको देखिए सेशन अच्छा लग रहा हो तो देखिए सेशन को आपको लाइक करना है, और देखिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से, यानी किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होगा, पारिवारिक परिवेश से, विद्यालय परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, या फिर छात्रावास के परिवेश से? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होगा, पारिवारिक परिवेश से, ऑप्शन क राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार है? यानी समाज में जो छात्र हैं उनकी भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, परस्पर सहयोग की आकांक्षा, या फिर क्रियाशीलात्मक सहयोग की अपेक्षा, या फिर रचनात्मक सहयोग की भावना, या फिर अनुदेशनात्मक सहयोग की भावना? तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन क, परस्पर सहयोग की आकांक्षा। समाज में जो छात्रों की भागीदारी है
वो किस प्रकार की वांछनीय है, यानी इससे क्या होगा, परस्पर सहयोग की भावना होगी उसमें। ऑप्शन क्या आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शहरी अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने के लिए गया। एक शहर का अध्यापक है, वह गांव के क्षेत्र में पढ़ाने के लिए गया, लेकिन ग्रामीण के बच्चे डरते हैं, यानी गांव के बच्चे डरते हैं, आप उनको पढ़ाने के लिए कौन सा आवश्यक कार्य करेंगे। देखिए गांव के बच्चे होते हैं वो थोड़े देखिए डरते हैं, देखिए जरूर डरते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए कौन सा आवश्यक कार्य करेंगे। ग्रामवासियों के साथ उनकी दुखानुभूति एवं सुखानुभूति में भाग लेकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण बच्चों को रोज मिठाई देकर पढ़ने के लिए तैयार करेंगे। ग्रामवासियों की वेशभूषा में रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे, या फिर सबसे पहले पढ़ाई के महत्व को बताएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी ग्रामवासियों के साथ उनकी दुखानुभूति यानी उनके सुख दुख में भाग लेकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे। बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए किस विचार से सहमत होंगे। बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ, या फिर बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है। देखिए जरूर लगा दी है, वर्तमान में देखिए जो न्यायालय है उसने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। न्यायालय का फैसला उपयुक्त है, या फिर न्यायालय ने शारीरिक दंड पर रोक लगाकर बच्चों को बिगाड़ने का काम किया है, या फिर इससे अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होगी, या फिर इसमें विरोधाभास है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगाती, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। देखिए ये न्यायालय का फैसला क्या है, उपयुक्त है यानी सही है, ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा। देखिए क्यों सही है, क्योंकि पहले क्या होता था, शारीरिक देखिए जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को इतना शारीरिक दंड देते थे, इतने पीटते थे उन्हें, कि उनकी देखिए शारीरिक वृद्धि में बाधा पहुंचती थी, विरोध आता था। तो देखिए ऑप्शन क राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, तो उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। शिक्षक ट्यूशन के पैसे को छोड़े, या फिर शिक्षक अपने आचरण में सुधार करें यानी अपने व्यवहार में सुधार करें, या फिर शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें। शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है, शिक्षण करवाना, पढ़ाने का कर्तव्य होता है, तो उसका देखें निष्ठापूर्वक यानी रुचि से देखें उनका पालन करें, या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही है, यानी सम्मान नहीं मिल रहा पहले जैसा, तो उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। एक तो देखिए शिक्षक ट्यूशन के पैसे छोड़े, यानी क्या होता है, शिक्षक देखिए विद्यालय में कम पढ़ाते हैं, लेकिन जो ट्यूशन में बच्चे जाते हैं उनको अच्छा पढ़ाते हैं, और उनसे देखिए इतनी ट्यूशन की फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो देखिए उस ट्यूशन की फीस को कम करना चाहिए, और अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए यानी बच्चों से ठीक प्रकार से बोलना चाहिए, शिक्षक अपने कर्तव्य का यानी रुचि पूर्वक पालन करें। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, लेकिन जो मैं कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक पर संदेह होगा,
वह शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, समाज दिशाहीन हो जाएगा या फिर समाज शिक्षक का अनुसरण करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यदि शिक्षक ये कहेगा तो देखिए शिक्षक कहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, लेकिन जो मैं कहता हूँ उसकी ओर ध्यान दो। तो इससे क्या होगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा। शिक्षक देखिए अपनी मन मर्जी करता रहेगा, वो किसकी भी नहीं सुनेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। आपकी दो पुत्रियां हैं लेकिन आपको पुत्र प्राप्ति की चाह होती है, तो आप क्या करोगे? आपके क्या है, दो पुत्रियां हैं और आपको देखिए पुत्र प्राप्ति की चाह है, तो आप क्या करोगे? यानी आप एक पुत्र भी चाहते हो तो आप क्या करोगे, अपनी चाह को शीघ्र पूरा करना चाहेंगे, अपने सिद्धांत पर अडिग रहेंगे कि दो से अधिक कोई बच्चा न हो, या फिर परिवार नियोजन कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहेंगे, या फिर सोच सोच कर परेशान रहेंगे। देखिए सोच सोच कर आपको परेशान तो नहीं रहना है, आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, परिवार नियोजन कार्यक्रम का आपको देखिए लाभ उठाना चाहेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे? ईमानदार छात्रों को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे, या फिर सख्त दंड देकर उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, यानी उसे दंड देंगे, या फिर ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे, या फिर छात्र के अभिभावकों को सूचित कर देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, हम उसे बताएंगे कि ईमानदारी क्या है, सर्वोत्तम नीति है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, तो आप क्या करोगे? पढ़ने के समय वो टीवी देखते हैं तो आप क्या करोगे? टीवी देखने से मना करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी न देखें, टीवी देखने से होने वाली आँख की बीमारी के बारे में बतलाएंगे, उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें। तो राइट आंसर क्या होगा, उन्हें हम ये कहेंगे कि उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय देखें टीवी न देखें। यदि हम उन्हें टीवी देखने से मना करेंगे तो देखिए जो टीवी है वो लाया क्यों गया है घर में, यदि मना ही करेंगे तो देखिए टीवी लाना ही नहीं चाहिए, या फिर टीवी देखने से होने वाली आँख की बीमारी के बारे में भी हम बताएंगे। तो देखिए ऑप्शन बी करके आओगे, देखिए ऑप्शन बी जिन्होंने दिया है देखिए उनके 3 नंबर पक्के हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। आपका एक मित्र आपके व्यवहार से हमेशा अप्रसन्न रहता है, आपका एक मित्र है जो आपके व्यवहार से हमेशा दुखी रहता है, अप्रसन्न रहता है, तो आप उससे मधुर संबंध बनाने के लिए क्या करोगे? अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेंगे, उसके मन के अनुकूल वार्तालाप करेंगे, उसके उस दुर्व्यवहारिता को जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे जो व्यवहार है उससे अप्रसन्न क्यों है, तथा अपने से अपेक्षित सुधार करेंगे। यानी यदि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा अपना व्यवहार तो देखें उसमें हम सुधार करेंगे, या फिर उससे हमेशा सदव्यवहार करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, उसके उस दुर्व्यवहारिता को जानने की कोशिश करेंगे तथा अपने में अपेक्षित सुधार करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। आपके विद्यालय के पास एक मंदिर है, वहाँ पूजा के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है जिससे बच्चों का ध्यान उस ओर चला जाता है, तो आप क्या करोगे? मंदिर के संचालक को स्पीकर बंद करने का आदेश देंगे, सभी अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वे इसका विरोध करें क्योंकि इससे बच्चों का अहित होता है, या फिर मंदिर के संस्थापक को सलाह देंगे कि विद्यालय के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग न करें, या फिर इसकी प्रशंसा करेंगे क्योंकि इससे धर्म का प्रचार होता है। तो हमें क्या करना है, मंदिर का जो संस्थापक है उसे सलाह देंगे और उसे कहेंगे कि विद्यालय के समय देखिए लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करना है, इससे क्या हो रहा है हमारे बच्चों का ध्यान देखिए आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। जब कोई विद्यार्थी सामाजिक समारोह में भाग लेने से कतराता है, यानी कोई विद्यार्थी है वो सामाजिक समारोह समाज में जो समारोह का आयोजन किया जा रहा है उसमें भाग लेने से क्या रहा है, वह कतरा रहा है, यानी भाग नहीं ले रहा, तो आप क्या करोगे?
इसकी जानकारी उनके अभिभावक को देंगे। उसके अभिभावक को समझाएंगे कि वे बच्चे को सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इससे बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। या फिर शिक्षक स्वयं सामाजिक समारोह में भाग ले तथा छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, या फिर उसके सभी क्रियाकलापों पर विशेष है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, शिक्षक को देखिए स्वयं सामाजिक समारोह में भाग लेना है तथा छात्रों को क्या करना है, भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपके कार्य बाधित हो जाते हैं, यानी आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो आप क्या करोगे? टेलीफोन को नहीं सुनेंगे, रिसीवर को नीचे रख देंगे, टेलीफोन को दूसरे कमरे में लगा देंगे, या फिर टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे शायद कोई ज़रूरी बात हो। तो राइट आंसर क्या होगा? यदि आप पढ़ रहे हो, टेलीफोन आ जाता है जिससे आपके कार्य डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे? टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे शायद कोई ज़रूरी बात भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हो और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हो और आपको आपसे देखे कुछ गलती हो गई और कुछ कोई छात्र है वो आपकी देखे उस गलती को पकड़ता है, तो आप क्या करोगे? छात्र को चुप रहने तथा बाद में मिलने के लिए कहते हैं, या फिर छात्र को ही गलत साबित कर देते हैं लेकिन बाद में स्वयं सुधार लेते हैं, या फिर सभी बच्चों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाते हैं यानी मजाक उड़ाते हैं उस बच्चे की, या फिर उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी उस छात्र को समझाएंगे तथा गलती होने पर देखिए अपनी गलती हम स्वीकार कर लेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब आपको बताना है सेशन कैसा लगा आपको, आज का सेशन कैसा लगा आपको, सभी को बताना है। देखिए 30 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, सभी को ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं 30 में से। और यदि आपको देखिए सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और देखिए जो आज ही चैनल पर जुड़े वो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जो टॉपिक वाइज क्लास है उसको देखिए ज़रूर देखना है। और देखिए पहले 45 क्लास आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की देखिए लगा रखी है, देखिए वो भी आपको देखनी है। और सेशन को देखिए जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, देखिए जिससे आपको सभी क्लासेज के डेली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ PTET और BST से एंट्रेंस एग्जाम की सभी देखिए सब्जेक्ट की क्लासें लगाई जा रही है। तो चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं।